हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमयरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12000 आलिम और हकीम और 132000 सवार और 113000 प्यादा यानी पैदल फौज अपने हमराह लिए इस शान के साथ निकला। जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक-ए- खुदा चारों तरफ से नजारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज्जमा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ। उसने अपने वजीरे आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में भला क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया। उसने कसम खाकर कहा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कराऊंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया। ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा उसके आसपास बैठने की भी किसी को ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अच्छा नहीं हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथी आलिमों में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया कि मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दामे काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को सात सात अशरफियां और सात सात रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहां से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही आलिमों में से जो आसमानी किताबों के आलिम थे वहां की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक उस सरजमीन को पाया तो आपस में अहद कर लिया, हम यहां ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाएंगे और हमें भी जियारत का शर्फ हासिल होगा, वरना हमारी कब्रों पर जरूर कभी न कभी उनकी जूतियों के मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी और हमारी निजात के लिए यही काफी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के लिए 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक दो मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह होगी। और उन 400 उलमा की काफी इमदाद भी की, कहा तुम हमेशा यहीं रहो। फिर बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये खत उस नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जरूर पेश कर देना। अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना, नस्लन बाद नस्लिन मेरा ये खत महफूज रखें हत्ता के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसे पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल के बाद पेश कैसे हुआ और खत में भला क्या लिखा था सुनिए और अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ फरमाइए। खत का मजमून ये था, कमतरीन मखलूक तुब्बा अव्वल हिमयरी की तरफ से शफीउल मुजनबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, अल्लाह के हबीब मैं आप पर ईमान लाता हूँ
और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ। मैं आपके दीन पर हूँ, बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिला तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शफ़ात फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बयत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाहे यमन का ये खत उन 400 आलिमों की नस्ल दर नस्ल जान की तरह हिफाजत की जाती रही, यहाँ तक कि 1000 साल का वक्त गुजर गया। उन आलिमों की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीने की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया, और ये खत दस्त बदस्त माँ वसीहत उस बड़े आलिम रब्बानी की औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा। आपने ये खत अपने गुलाम खास अबू लैला की हिफाजत में रखा। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मदीना मुनव्वरा की अलवदाई घाटी सनियात की घाटियों से आपकी ऊंटनी नमूदार हुई और मदीने के खुशनसीब लोग महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने को जौक दर जौक आ रहे थे। कोई अपने मकानों को सजा रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था, और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की नकेल को छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी कयामगाह होगी। चुनांचे जो दो मंजिला मकान शाहे यमन तुब्बा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बनवाया था वो उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास था। उसी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा, कहा जाओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहे यमन तुब्बा का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू लैला है ना? ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, शाहे यमन का जो खत तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो। चुनांचे अबू लैला ने वो खत दे दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर फरमाया, नेक भाई तुब्बा को आफरीन और शाबाश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।